हम लोग राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2023 में आए हैं, जहाँ पे हमने देखा मर्म चिकित्सा के बारे में डॉक्टर रवि प्रकाश पीपलीवाल हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आप कैसे इसको मर्म चिकित्सा में क्या क्या होता है और कैसे इसको आप करते हैं? हम 20 तारीख से 21 तारीख और आज 22 तारीख 3 दिन में हमने मर्म चिकित्सा के अंदर करीब 220 से ज़्यादा रोगियों को बिल्कुल ठीक किया है और कुछ ही देर के अंदर ठीक किया है। आपके सामने ये मेरे पास सिर्फ 15 मिनट पहले आई थी, इनकी शिकायत थी कि इनको माइग्रेन है काफ़ी टाइम से। इनको ये अपने मुंह से आपको खुद बता देंगी कि इनको मैंने क्या चिकित्सा दी और बिना दवाई के ये कैसे ठीक हुई। तो ये है क्या सर मर्म चिकित्सा? क्या एक्चुअली बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं कि जो बॉडी के पॉइंट्स में आकर के खुल जाते हैं, यदि हम सही पॉइंट्स को सही जगह पर हम प्रेस कर देते हैं तो वो चीज़ वहाँ से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। बीच बीच में हमें उन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स लगा करके भी देते हैं और उन पॉइंट्स को यदि टाइमली प्रेस करते रहते हैं तो ये रोग, जो भी रोग जिनके जैसे लंबर है, सर्वाइकल है, स्टेनोसिस हो गया है, नी जॉइंट्स हैं, जो भी पेन है उनका, वो सारा का सारा रिलीज होता रहता है। आप यदि मेरे क्लाइंट से बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की चिकित्सा दी है, 2 मिनट में इनको माइग्रेन में कितना आराम मिला है। मैम डॉक्टर साहब ने क्या ऐसी चिकित्सा जिससे आपको 2 मिनट में माइग्रेन किया? मेरे को बस पॉइंट्स किए थे, उससे दर्द ख़त्म हुआ था तुरंत ही। तो आपकी क्या समस्या थी? मेरे माइग्रेन का दर्द है 4-5 साल से है और मतलब बहुत तेज होता है, सहन के बाहर होता है। मेरे को बताया, फिर इन्होंने आगे किया भी तो उससे रिलीफ मिला 15-20 मिनट के अंदर। जो इन्होंने 15-20 मिनट में किया, क्या अब आगे माइग्रेन होगा नहीं या फिर इन्होंने कुछ बताया है कि आपको कंटिन्यू ये करने पड़ेंगे, पॉइंट्स दबाने हैं क्या? कंटिन्यू नहीं करने, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, टैबलेट्स वगैरह भी दिए हैं और पॉइंट्स अभी जो दबाए हैं तो उससे रिलीफ मिला है मेरे को 15। मतलब ये पूरा ट्रीटमेंट सर कितने आप बताएंगे कि कितना टाइम चलता है ये ट्रीटमेंट? ऐसा यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि हम दे चुके होते हैं तो कम से कम 2 से 4 सेटिंग में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और यदि किसी को बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ है तो उसको 5 से 7 सेटिंग हम देते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कवर हो जाता है। जैसे लंबर पेन के हम L4, L5, L3 और S1 के पेशेंट हम तुरंत ठीक करते हैं हमारी एक्यूप्रेशर मशीन से, और हमारे जो मर्म पॉइंट्स हैं, मर्म पॉइंट्स को जैसे हम दबाते हैं तो वो चीज़ वहाँ से रिलीज हो जाती है। मेरे साथ अभी 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये और इनको आज इतना ज़्यादा रिलीफ है कि आप इनसे बात करें। अग्रवाल साहब ज़रा आप बताएं क्या आपको समस्या थी अग्रवाल साहब की, आपने जो 3 दिन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें? मेरे एक तो साइटिका की प्रॉब्लम थी और मेरे कान में साउंड की टिनिटस की जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं वो थी। डॉक्टर साहब के पास पहले दिन आया था तो उस दिन ही मुझे काफ़ी कुछ रिलीफ मिला था, तो सर ने बोला कि 3 दिन एक बार लगातार आइए, तो 3 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ। अब जो कान की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर से रह गई है। और कान में क्या मतलब क्या प्रॉब्लम? साउंड की जो रिंगिंग मतलब सुनने में प्रॉब्लम थी, नाट वाली प्रॉब्लम थी, सुन जैसे सुन होता है ना कान, वैसी प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, और जो अपनी इसकी साइटिका की जो प्रॉब्लम थी इसमें सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। जो मेरे को मतलब दर्द जो था ना, पहले तो बैठा नहीं जाता था, आजकल तो मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ। बिल्कुल 3 दिन से इतना फ़ायदा हो गया कि अब आराम से बैठ सक रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताएं जो मैम का जो चल रहा है ये किस चीज़ का चल रहा है? मैडम मेरे पास शिकायत करके आई थी कि इनकी बॉडी, हाफ बॉडी बिल्कुल हैवी हो गई है और इनसे कोई वर्क नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा वर्क भी चल भी नहीं पा रहे थे। अभी मैंने कुछ ही पल पहले इनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इस ट्रीटमेंट से आप मैडम से खुद से बात करें कि इनको मैंने क्या चिकित्सा दी और इनको क्या आराम आया। मैडम बताएं आप। मैम आप बताएंगे क्या चिकित्सा दी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने मुझे क्या ये एक्यूप्रेशर और दे रहे हैं तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है, और पहले मतलब मुझे काफ़ी दर्द था पाँव में और कमर में भी काफ़ी हैवीनेस थी, तो जो डॉक्टर साहब ने कुछ मुझे पॉइंट्स बताए हैं और एक्सरसाइज भी बता रहे हैं कि ना भाई आप मुझे रोज़ाना भी ये करना होगा थोड़ा, और मुझे बहुत अच्छा रिलीफ है। कितने टाइम का बताया कि सब कोर्स है या कुछ टैबलेट्स भी दिए हैं या फिर सिर्फ एक्यूप्रेशर करना है आपको? क्या टैबलेट्स वगैरह कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुझे पॉइंट्स बताए हैं कि भाई आपको ये एक्सरसाइज, ये पॉइंट्स जो हैं आपको रोज़ाना करना होगा किसी से भी, किसी की भी हेल्प से, और उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने कोई मतलब मुझे कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। धन्यवाद।